गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू नेहाज व्लॉग। और सुबह के बजे हुए हैं 7। गुड मॉर्निंग। और ये देखो नेहा को सुबह सुबह रेडी होके बैठ गई है क्योंकि दीदी मुझे सुबह सुबह, मैं सो रही थी, लात मार के उठाया। झूठ तो मत बोल यार। कह रही उठ जा, चल घर जाना। तो दीदी को अपने घर जाना है, तो उन्होंने ना मुझे अपना सूट दिया, तो मैं भाभी जब जाएंगे ना खड़े होकर दिखाऊंगी, वहां पे भी दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ सूट में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पपीता खा लो सुबह सुबह ना, पपीता खान चाहिए खाली पेट, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और फिटनेस टिप्स जानने के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में, धन्यवाद। कुछ ज्यादा नहीं बोलते लड़की, फालतू। ब्लॉग का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा ही तो बोलना होता है। फालतू और ये पूरे ब्लॉग में चुप रहूं, फालतू की बकवास। तो दीदी ने मुझे लद दिया है पूरे सामान से, किचन बैग, और दीदी के पास भी बैग है। दीदी अपनी रानी को साफ करते हुए, लेट्स गो। चल भी अभी कभी चमकाओगे इसे, बुरी लग रही थी यार, बुरी लग रही थी। अब अच्छी लग रही है। अच्छा तुम लोग बना रही है? यस, मुझे पता नहीं था। चले यार, इसको ना आगे रख लो यार, यार वो स्क्रैच आ जाएंगे। ओहो नहीं 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 यार, कपड़े से स्क्रैच आते आते हैं क्या यार? ऐसे रखूंगी, इससे स्क्रैच आ जाएंगे। इसको ऐसे सामने, इस चीज को, हां ऐसे, हां लाओ, मैं ही पकड़ लूंगी। दो आपकी रानी को स्क्रैच नहीं आने देंगे हम। हाँ यार, एक बात बताऊँ, मैं लेमिनेट करा रखी है। नहीं रखना, गुड, आई लाइक इट। इतना प्यार मुझे किया होता तो मैं भी आज इतनी सुंदर होती। क्या कह रही हो? चीज की केयर है ये। अच्छा, मेरी केयर नहीं करते ना, फिर इसका मतलब तू इंसान है, तू है। और ये हम बस पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही कदम आगे है दीदी का गांव जिसका नाम है घरी गुजरान। घरी गुजरान में आपका स्वागत है। और ये यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्कूल है, एंटर करते ही आपको एक स्कूल मिलेगा, ये सरकारी स्कूल है गाइस। गांव की सबसे अच्छी पहचान होती है भैंसे और गोबर, जो कि हमें दोनों देखने को मिल चुके हैं। खेती ये देखो, दोनों भाई बहन प्यार करते थे। ये फैमिली पूरी गाय भैंसों की, और ये भी मेरे ब्लॉग में आने का मौका मिला है इन्हें। और अभी दीदी का घर आने वाला है, ये दीदी का घर है, बैक साइड है, हम फ्रंट से जाएंगे। और ये है दीदी का घर, और यहाँ पे है खेत दीदी के, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले हम दिखाते हैं आपको घर। ये दीदी की स्कूटी जो कि यही रहती है जब से ये दीदी की रानी आ गई है। और ये है डीनो। हेलो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो। अरे कहाँ है? वेरी गुड। डर सा लगता है भाई, क्योंकि ये है पिटोल। और ये है, हाँ मिल लो। टिंकी, टिंकी, टिंकी। हेलो, मुझे भोक रहा है क्या? क्या दिख रहा है? अरे कुत्ते भोक रहे हैं। अच्छा, और ये है भैंसे, इनके नाम, इनका नामकरण हुआ नहीं है, पता नहीं मुझे क्या नाम। चलो आओ अंदर, चलो चलो, ठीक है। ये है हमारा अमरूद का पेड़। ओके, देखो बहुत मेरे फेवरेट है अमरूद। ये जामुन का पेड़। ओके, गर्मियों में समझ। ये नींबू का पेड़, नींबू लगे हैं। अरे बाथरूम, बाथरूम में दिखा अंदर से। ये मैं बहुत, अरे ट्रैक्टर, ये हमारे खेत हैं सारे। व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ, मैं अपनी वीडियो बनवाऊंगी गाइस, स्लो मोशन सूट में। ये हमारा गोबर। हमारा गोबर है, भैंस का गोबर वही है, मैं क्या गोबर करती हूँ। चलो अंदर। ये सारे खेत दीदी के हैं। दीदी के? दीदी घर के। हाँ। तो आप भी हिस्सेदार हो इनके। ये अच्छा, ये है मोहिल। हेलो मोहिल, स्कूल जाने के लिए तैयार अपनी सवारी में? देख कीचड़ में बेटे, कीचड़ में। स्कूल जा रहे हो आप? मत जाओ, आज रहने दो। आज जल्दी आ जाए, फर्स्ट राउंड में आएगा आज ही, मतलब हाफ डे में, लंच से पहले नहीं, 1 बजे। अच्छा ठीक है, तो 2:30 बजे आते
ये गर्मियों वाला मतलब धूप सेकने के लिए सर अंदर रात के लिए ये ठीक है। ये हमारी मशीन है, अरे कुट्टी ये हमारी पता ही है टेक ट्रॉली क्या होता है। ये मेरी मम्मी आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटे। अरे भाभी काम करते हुए खाओ गर्मा गर्म पराठे, ये देखो आज छोले की सब्जी बनाई है भाभी, सब्जी के साथ मतलब छोला चाट, छोला चाट। ये मंदिर अभी सफाई नहीं हुई ना, सुबह का टाइम है। हाँ सुबह सुबह 5 बजे उठा लाए हो आप मुझे, 5 बजे का 7 बजे उठा लाए, अभी बच्चे भी नहीं गए स्कूल। ये ड्राइंग रूम किसका रूम? मेरे डैडी मम्मी का। और ये नमस्ते कौन करेगा? नमस्ते नेहा, नमस्ते स्कूल जा रहे हो? और ये मीट माई बेस्ट फ्रेंड। चलो और वो मोहिल, हाँ वो मोहिल भाई भाभी का रूम। ये हूँ मैं गाइस, मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ इस सूट में और कैसा लग रहा है। ये है भाभी का सूट दीदी के भाभी का, मतलब मेरी भी भाभी का सूट। क्या तुम्हारा ट्रैक्टर बैटरी अच्छा? और ये दीदी जीजू, ये दीदी का रूम है गाइस। ऊपर कौन दिखाएगा? आप दिखाओगे? चलो नहीं ऊपर क्या दिखाना है, छत बस। ये हमारी लॉबी, ये हमारा फ्रिज, ये भी दिखा दो फ्रिज में क्या क्या रखा है। मैं लेने लगी थी, लिया नहीं। खानी सोना पड़ी? नहीं खानी। चलो बस ऊपर नहीं दिखाना, ऊपर का भी दिखाई दे। ये हमारे खेत हैं और हमारे पेड़ हैं। एक्स्ट्रा सामान रजाई करते मंजी मुंजी सब, मंजी रूम ही है वैसे, मंजे वाला मंजा बोलते हैं, खाट काट हाँ। काट हमारे यहाँ मंजा बोलते हैं। चलो गाइस हम ऊपर चलते हैं। इन्वर्टर कपड़े सूख रहे हैं, काफी बड़ी छत है गाइस। ये हमारे खेत है, ये हमारे खेत तो मैंने नीचे से ही दिखा दिए थे, ऊपर से भी दिखा दो। हाँ जी मोहिल कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं इधर इधर कुछ तो बोले। वहाँ पर चिट्टे चिट्टे वहाँ बुगले हैं, बुगले चिट्टे चिट्टे बुगले। जी आप कुछ बोलना चाहेगी? बस मुझे यही बोलना था भाई, ये हमारी छत है, यहाँ हमारे कपड़े सूख रहे हैं, उधर मोहिल खेल रहा है और हम स्कूल जा रहे हैं। बाय। कितने बजे आओगे स्कूल से? हम आएंगे 2:30। टेस्ट है? यस। किसका? ऑल सब्जेक्ट्स। फिर पढ़ाई कर भाई आगे चल। ये दीदी के ब्रदर है, इसके ये राजा है, मेरी रानी है, बुलेट राजा। ये भाई सब्जी मंडी खरीद के लेके आए हैं। वो वहाँ पे खड़ी रानी और ये रहा राजा, बुलेट राजा। तो इनकी बस आ चुकी है, अभी स्कूल जा रहे हैं। सो बाय गाइस, बाय मोहिन, बाय। मेरी नंदे एक पोछा लगा रही है, एक झाड़ू लगा रही है, ये बहुत अच्छी है, दोनों बहुत हेल्प करवाती है काम में। ये देखो कितनी स्पीड से उन्होंने सारा काम कर दिया, सारे घर की सफाई। ये देखो ना कहीं नहीं मिलती अभी, दोनों एक से बढ़कर एक है। मैंने झाड़ू लगा लिया है तो मम्मी अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो, देखो आप मेरे को काम चोर समझते हो ना, मैं काम चोर नहीं हूँ।
दीदी जी मुझे काम चोर समझती है। दीदी मैं कोई काम चोर हूँ? नहीं करती हम तो। इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो। काम चोर हूँ मैं? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत मतलब कर लेती है, थोड़ा बहुत मतलब कर लेती है। नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं कहूंगी मैं। डरो मत, डर मेरी हूँ, मेरा कहने का मतलब कि हद करा देती है। हाँ। बस ये बोल सकती मैं तुझे, ये नहीं बोल सकती तू बहुत काम करती है। हाँ, मैं खुद नहीं बोल रही कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बट काम चोर नहीं हूँ मैं। हाँ बस हेल्प करा देती है किसी की भी। हाँ मुझे काम करने में अच्छा लगता, बट मैं काम चोर नहीं हूँ। देखो मम्मी मैं काम करती हूँ। चलो तो चलते हैं इसको पॉटी कराने, पहले यहाँ तो आगे आगे पूछा रहता है ना। तो अब यहाँ डीनू घूमते हुए, चल ये खुद घुमाता है, हमें तो डैनी को पकड़ के घुमाना पड़ता है। यहाँ खेतों का फायदा यही है, खोल दो और ओह माय गॉड स्पीड देखो, स्पीड क्यों नहीं, कहाँ गया है वो झाड़ियों में। ओ मम्मी भाई साहब कितनी तेज भागा है। कैसे हक दिया, खाएगा तो नीना है मुझे। इसने पॉटी तो कर ली, इसका पिछवाड़ा तो धो दो। चलो 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 चलो, और गाइस हम सब आज शॉपिंग करने आए हैं। भाभी ने अपने लिए सूट खरीदा, देखो भाभी ने सूट लिया है, शादी है ना इनके यहाँ। हाँ ये देखो जनानियों का क्या काम होता है, सूट देखना। मोटा तो नहीं लिया कुछ, क्यों पहनती नहीं हूँ, यही पहन लिया बस, अब हो गया मेरा शौक पूरा। वैसे अच्छी लग रही है तू आज, और बस वही दो। दीदी क्या खा रहे हो आप? मैं यार मैंने बचपन मतलब स्कूल टाइम में खाया था कभी छोले समोसे दही, आज खा रही हूँ मैं, अपनी यादें ताजा कर रही हूँ आज। और हमारे हम तीनों के लिए आने वाली है पाव भाजी, इन तीनों ने अपने लिए मंगाई है पाव भाजी, और मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम पाव भाजी खा रही है। मम्मी क्या है ये? पाव भाजी। पाव भाजी कैसे मटो खाने में अच्छी है, चलो खाओ एंजॉय करो। और हम अपने घर जा रहे हैं, मतलब दीदी के रूम पे जा रहे हैं। आई बेटे फिर आना आज हम, अरे ये बोल दो नेहा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ? नेहा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेहा के चैनल को सब चला लो। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो।